ये जो साल है बहुत ही खराब तो गया है, उसका साथ में कुछ अच्छे न्यूज या अच्छा अपडेट भी सुनने को मिला है। जैसे कि आप सभी को पता है पार्लियामेंट ने 59 एप्लीकेशन को बैन किया गया था इंडिया से। इनमें से एक एप्लीकेशन ऐसा था जो बहुत ज्यादा फेमस था इंडिया में, सभी को पता है टिकटॉक का बात कर रहा हूँ। तो गाइस टिकटॉक बैन जब हुआ उसका न्यूज सुन के टिकटॉक यूजर को बहुत ज्यादा झटका लगा था। तो फिर से आप लोगों को और एक बार झटका लगने वाला है अगर आप भी एक पबजी यूजर हो, आप भी पबजी खेलते हो। तो पबजी का बात करो, पबजी भी टिकटॉक जैसा बहुत तेजी से फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है इंडिया में। तो आप भी अगर पबजी गेम खेलते हो तो आप लोगों को फिर से और एक बार झटका लगने वाला है। तो गाइस अभी फिर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से और एक अपडेट आ गया है, फिर से 47 एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है इंडिया से। तो गाइस क्या 47 एप्लीकेशन जो बैन किया गया है अभी इंडिया में, तो उस 47 एप्लीकेशन में क्या पबजी गेम एप्लीकेशन भी आता है, शामिल है, इसी के बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो गाइस मैं ऊपर तो साफ देख रहे हो एसकेटेक ऑनलाइन, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सर्च करने वाला है। अगर आप पबजी गेम नहीं खेलते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में अगर नए हो तो मास्ट चैनल को सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब मारना चाहिए, बिल्कुल फ्री में। उसके बाद वीडियो को एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी को ये अपडेट मिल सके, सभी के पास में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस में जो 59 एप्लीकेशन को बैन किया गया था इंडिया से, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो अच्छे काम कर रहा है, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन हम लोगों को स्मार्टफोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, हम लोग का जो भी डेटा है वो डेटा इसमें फंस हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। हमका इंडिया का ही डेटा है लेकिन वो बाहर जा रहा है, हम लोग का इंडिया से बाहर जा रहा है। तो इस वजह से सारा एप्लीकेशन को बैन किया गया था। फिर से इंडिया गवर्नमेंट ने 47 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, ऐसे 47 एप्लीकेशन अभी बैन किया है। फिर अभी और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसको बैन करेगा इंडिया गवर्नमेंट ने, ऐसे 250 एप्लीकेशन मिल जाएगा आप लोगों को, और भी बैन होने वाला है, मतलब धीरे धीरे करके बैन आपको हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन जो चीना एप्लीकेशन जितना रहेगा सबको बैन कर दिया जाएगा, जो खराब लगेगा भाई ये एप्लीकेशन हम लोग का जो भी डेटा है वो बाहर जा रहा है इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो इस एप्लीकेशन को बंद कर देगा। ऐसे इंडिया गवर्नमेंट ने अच्छे तो काम कर रहा है डेफिनेटली। तो गाइस क्या अभी जो 47 एप्लीकेशन को बैन किया गया है इसमें क्या पबजी गेम शामिल है, या पबजी गेम को भी बैन कर दिया गया है? तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, अभी जो 47 एप्लीकेशन को बैन किया गया है ये वही एप्लीकेशन है जो पहले 59 एप्लीकेशन को बैन किया गया था, उसी एप्लीकेशन का क्लोन वर्सन। मतलब आप समझ सकते हो, मानो जैसे कि टिकटॉक लाइट बोलो, बीगो लाइट बोलो, या जितना लाइट है, या शेयर लाइट बोलो, जितना लाइट एप्लीकेशन था, जितना एप्लीकेशन है सभी का एक लाइट वर्जन है। तो उस लाइट वर्जन को अभी उसको बैन किया गया है, गूगल प्ले स्टोर से तो रिमूव कर दिया गया है, एप स्टोर में अभी अगर आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा लेकिन वो बहुत जल्द वो भी रिमूव हो जाएगा जो एप्पल का एप स्टोर होता है। तो गाइस इनमें पबजी गेम शामिल नहीं है, लेकिन ये अपडेट भी निकल के आया है जो आगे जाके और भी 250 जो एप्लीकेशन बैन होने वाला है इंडिया की तरफ से, तो उनमें पबजी गेम भी शामिल हो सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है पबजी गेम शामिल नहीं होगा, पबजी गेम भी शामिल हो सकता है। तो अगर आप भी एक पबजी यूजर, जोर से झटका लगने वाला है, टिकटॉक यूजर को जितना ज्यादा झटका लगा था उसी तरह आप लोगों को भी झटका लगने वाला है। कब अपडेट आए, फिर 250 जो एप्लीकेशन बचा हुआ है उसको कब इंडिया गवर्नमेंट ने बैन करेगा, ये एप्लीकेशन आप लोग यूज ना करो तो बेहतर रहेगा। ऐसा का एप्लीकेशन आप भी अगर यूज करते हो तो सारा एप्लीकेशन अभी आप लोगों को वर्क नहीं करेगा, ऐसे में आप रख के कोई फायदा नहीं है, अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो गाइस आप लोगों को क्या राय है, ये सारा जो एप्लीकेशन को बैन किया गया है इंडिया से, इसमें आप लोगों को क्या कहना है, बैन किया गया है सही किया है या गलत किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला 250 एप्लीकेशन बचा हुआ है उनमें पबजी गेम शामिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, शेयर चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।